गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में कलेक्टर ने सीएसबी ग्राउंड का किया निरीक्षण। मंच व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में दिया आवश्यक निर्देश। कोरबा कलेक्टर अजीत बसंत ने कल पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में सीएसबी ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, गाड़ियों की पार्किंग, झांकी के एंट्री एग्जिट प्लान और सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी तैयारियों को समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। 24 जनवरी को गणतंत्र दिवस संबंध में अंतिम रिहर्सल किया जाएगा। कलेक्टर ने निगम आयुक्त सुश्री प्रतिष्ठा मंगाई को आयोजन स्थल पर मंच निर्माण सहित अन्य व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरान वन मंडलाधिकारी कोरबा अरविंद, अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, एडीएम कोरबा श्रीकांत वर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे। जिला के सभी शासकीय कार्यालयों में ध्वजारोहण प्रातः 8 बजे के पूर्व संपन्न कर ले जाएंगे, ताकि उन कार्यालयों के अधिकारी और कर्मचारी जिला के मुख्य समारोह में शामिल हो सके। गणतंत्र दिवस पर सभी शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाएगा। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को रात्रि में प्रदेश के सभी शासकीय एवं सार्वजनिक भवनों तथा राष्ट्रीय महत्व के स्मारक पर रोशनी की जाएगी। जनपद कार्यालयों में जनपद अध्यक्ष एवं नगरीय निकायों में नगरीय निकाय के महापौर या अध्यक्षों द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। पंचायत मुख्यालयों में सरपंच द्वारा एवं बड़े गांव में गांव के मुखिया द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा और सामूहिक रूप से राष्ट्रगान भी गाई जाएगी। परेड में CISF, पुलिस, नगर सेना, NCC, स्काउट गाइड की टुकड़ियां भाग लेंगे। समारोह सुबह 9 बजे शुरू होगा। समारोह के मुख्य अतिथि द्वारा मुख्यमंत्री के छत्तीसगढ़ वासियों के लिए प्रेसिस संदेश का वाचन किया जाएगा। कार्यक्रम के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारी, डॉक्टर, पुलिस कर्मी एवं स्वास्थ्य कर्मी सहित विभिन्न विभागों को सम्मानित की जाएगी। जिला स्तर पर आयोजित गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में विभिन्न विभागीय योजनाओं की चलित झांकियों का प्रदर्शन भी किया जाना है।